हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 के बारे में। काउंसलिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसको हम लोग देखेंगे। नए नियम क्या है उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसे आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं बीएड के लिए नई गाइडलाइन। देखिए, इसमें कहा गया है बीएड में प्रवेश और परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। देखिए, पढ़ाई के 200 दिन पूरे होने पर, तो कितने 200 दिन पूरे होने पर वार्षिक परीक्षा करा सकते हैं विश्वविद्यालय। देखिए और क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कोरोना काल में बीएड के प्रवेश से लेकर वार्षिक परीक्षा कराने की गाइडलाइन नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने जारी कर दी है। एहतियात के साथ कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई जाए, जबकि पढ़ाई के 200 दिन पूरे होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा करा सकते हैं। तो 200 दिन पूरे होने पर प्रशासन परीक्षा करा सकते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से 150 बीएड कॉलेज जुड़े हुए हैं। तो कितने 150 बीएड कॉलेज जुड़े हुए हैं। हमने अध्ययनरत 15,000 छात्र पिछले 4 माह से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो कितने 15,000 छात्र पिछले 4 माह से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा हो चुकी है, जैसे आपके बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। अब 5 सितंबर को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो आपका रिजल्ट 5 सितंबर को घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग व कॉलेज में प्रवेश देने का सिलसिला शुरू होगा। बीएड कॉलेज में प्रवेश के मद्देनज़र NCTE ने गाइडलाइन बनाई है। यह गाइडलाइन कॉलेज में काउंसलिंग के लिए आने वाले उम्मीदवारों के लिए है। तो गाइडलाइन जो काउंसिल कराएंगे उनके लिए है। देखिए, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी के दूर दूर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो कैसे दूर दूर बैठना होगा। इस बस बीएड में प्रवेश लेने की ख्वाहिश रखने वाले 32,410 परीक्षार्थियों ने शहर में आगे देख लेते हैं। देखिए गाइडलाइन क्या है, जैसे आप देख रहे होंगे यह है प्रवेश की गाइडलाइन। एक कक्ष में एक ही काउंटर होगा। प्रत्येक काउंटर के सामने 2 गज की दूरी पर सफ़ेद गोले बनाए जाएंगे। तो 2 गज की दूरी पर सफ़ेद गोले बनाए जाएं, उन गोले में ही छात्र छात्राओं को खड़ा किया जाए। तो उन गोलों में ही छात्र छात्राओं को खड़ा किया जाएगा। ऐसे मास्क का उपयोग करना जरूरी है। तो मास्क और सैनिटाइजर तो जाहिर सी बात है जरूरी है। टोकन से छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। टोकन के द्वारा छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के दौरान उनकी वर्मल स्क्रीनिंग होगी, आपकी स्क्रीनिंग होगी। शौचालय पेयजल वाले स्थलों को सैनिटाइज किया जाए ये कहा गया है। काउंसलिंग के दौरान दस्तावेज सत्यापन के स्थान सैनिटाइज किया जाए। और देखिए, कॉलेज में कर्मचारियों की रोटेशन में ड्यूटी भी लगाई जाए ये कहा गया है। आपने गाइडलाइन देख लिए, आगे देख लेते हैं। छात्रों को वार्षिक परीक्षा का इंतजार, तो विद्यार्थियों बीएड की वार्षिक परीक्षा का इंतजार 5 महीने से कर रहे हैं। नियम अनुसार प्रवेश से 200 दिन पढ़ाई पूरी होने के बाद वार्षिक परीक्षा हो जानी चाहिए। 200 दिन पढ़ाई हो चुकी है तो वार्षिक परीक्षा हो जानी चाहिए। पढ़ाई प्रारंभ हुए 9 महीने बीत चुके हैं, जबकि जो परीक्षा कराने की जो गाइडलाइन NCTE की है उसके अंतर्गत मानक के अनुसार कक्षाएं लगे 5 महीने से ऊपर बीत चुका है। तो देखिए, एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी का कहना है कि NCTE से संपर्क किए जाने पर बताया गया कि परीक्षा कराना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है। तो विश्वविद्यालय की
जिम्मेदारी है। अगर कक्षाएं पूरी लग चुकी है तो परीक्षाएं आयोजित कराई जाए। तो जैसे कहा गया है, अगर कक्षा पूरी लग चुकी है तो परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है, तो विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करा सकते हैं। तो ये पेपर कटिंग मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। फिर भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो आप उनको कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।